तानिया मम्मा रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी हो रही हूँ, पर मैं भी वीडियो बना रही हूँ। हमने पहले गाने लगाए हुए थे पर गाने जो कॉपीराइट आ जाता तो इसलिए हमने गाने बंद कर दिए। ये क्या था? हमने न्यू स्ट्रेटनर लाए थे, ब्रश वाला है। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था, ये मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था तो ये था कि मैं यूज़ करूँ, देखूँ कि कैसा है, क्योंकि मेरे बाल ना कर्ली हैं काफ़ी, तो रोज़ मैं स्ट्रेटनर से नहीं कर सकती, तो फिर मैं ये ब्रश है ब्रश तो लेकर आई हूँ, तो देखते हैं ये कैसा यूज़ होता है, इसमें बाल स्ट्रेट होते हैं या नहीं। अभी मम्मा करेंगे, अभी हो गया है वो हीट। देखो हो भी गया वो स्ट्रेट, काफी अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये ना। जो हमारे पास पहले था जो नॉर्मल स्ट्रेटनर होता है, दो तीन चार बार ऐसा ऐसा करना पड़ता है, कटा पड़ता है, फिर जाके होता है। इसमें हल्का सा करने से हो गया, ब्रश करो हल्का हल्का और साथ में हो गया। और इसका जो ब्रश है जो पिंक कलर का है ये वाला, मैं अगर आप इससे भी एक बार ब्रश कर लो अपने बालों को तो पूरा वो स्ट्रेट कर देता है। साथी ने वही किया था और उसके बाल पूरे स्ट्रेट स्ट्रेट लग रहे थे। माँ के बाल स्ट्रेट हो भी गए इतनी जल्दी और इजीली, भी ले रहे हैं और थोड़े स्ट्रेट भी हो गए हैं। जिनके असल में कर्ली बाल है ना, अगर रोज स्ट्रेटनर उनको यूज होता है कि हमें करना है तो बेस्ट है ये ब्रश लेकर आओ और इससे करो, सबसे अच्छा है ये। बार बार स्ट्रेटनर लगाओ, यहाँ पे गर्म भी हो जाता लग जाता है, इससे गर्म नहीं लगता बिल्कुल भी ना, यहाँ पे स्किन में ना, यहाँ से भी करोगे ना रूट से भी तब भी वो गर्म नहीं लगता बिल्कुल भी, और बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। मेरे को इतना अच्छा लगा ना ये प्रोडक्ट, मुझे पहले क्यों नहीं मिला, पहले था बट मेरे को नहीं पता था, अब जब पता चला तो बेस्ट है। मम्मा का तो फेवरेट पार्ट है, मम्मा का फेवरेट पार्ट तो वो स्ट्रेटनर है। साची का वो जो पिंक वाला जो ब्रश है दिखाओ कहाँ गया, इनको ना साची हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रेडी होने के बाद अपने ब्लॉग का वो कर रहे हैं, वेलकम सब लोग पहले करते हैं, हम लोग बाद में कर रहे हैं, क्योंकि हमने हाय तो बोला ही नहीं और हमने डायरेक्ट ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। अभी तानिया चाची की हो रही हैं छुट्टियाँ, वेकेशन चल रही हैं उनकी, तो हमारे फ्रेंड्स आए हुए हैं अमेरिका से, तो हम जा रहे हैं अभी घूमने के लिए और पानी की बोतलें भर के रखी हैं और भूलने वाले थे हम लोग वीडियो के चक्कर में, नहीं तो भूल जाते वहाँ पे, फिर याद आता कि बाकी दोनों ले ली, पानी लेना है। हाँ हमने सारी ले ली है और अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो देखते कहाँ जाते हैं। वैसे आज वेदर बहुत अच्छा है, धूप भी है, बारिश भी है, हवा भी है, तीनों चीज़ें जो हमें चाहिए। रेनबो निकलने वाला है तो हम आपको दिखाएंगे आज। हाँ आज रेनबो भी निकलेगा, देखते हैं। हमने उधर अभी लगाई हुई अपनी गाड़ी चार्ज पे, चार्ज हो रही है, ये सामने ये हो रही है हमारी गाड़ी चार्ज। तब तक हम लेते हैं थोड़ी सी अपने लिए सेल्फी, जब तक हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है हम लोग थोड़ी फोट में खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। और हम अभी आए हैं बियर क्रीक, अभी हमारे आए हुए हैं फ्रेंड्स डेलस टेक्सास, डेलस से, और साथ में है धारिका। धारिका अभी चिप्स खाने में बिजी है उसको चिप्स खानी है क्योंकि नाश्ता नहीं किया, उसको लगी है भूख अभी। तो ये है धारिका, ये साची, साची भी चिप्स खा रही है और तानी भी चिप्स खा रही है। कहाँ है तानी? तानी इधर है, तानी भी चिप्स खा रही है, भूख लगी है। तीनों गाड़ी में बैठते ही पहले चिप्स खोले हैं, चिप्स खा रहे हैं। और ये एक्चुअली हम लोग ना पामकोट के ही हैं, मुंबई में जो हमारी सोसाइटी है पामकोट, हम दोनों वहीं से ही हैं, तो काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं हम लोग ना, तो जब दीदी हमारे पास मुंबई में आते थे और हम लोग शिरडी जाते थे, शिरडी जाना इंजॉय करना, बहुत मस्ती की है हमने। लास्ट टाइम हमने पिज़्ज़ा मंगवाए थे जब आप आए थे कितने सारे पिज्ज़ा, बहुत सारे पिज्ज़ा मंगवा लिए, हर एक वैरायटी मंगवा ली थी हमने पिज़्ज़ा की, इतने सारे पिज़्ज़ा मंगवाए फिर बाद में बच गए। और अरे मुझे ना एक बात अभी याद आई है कि जब दीदी मेरे पास लास्ट आए थे ना अभी मुंबई में, और हम लोग चाय पी रहे थे, तो चाय पीते पीते हमारी अब बात निकली कि अभी नेक्स्ट हम कहाँ पे मिलने वाले हैं,
इधर कनाडा और कनाडा में। यार दीदी ने मेरे को बोला था कि ज्योति अभी नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी ना मिलेंगे तो हम कनाडा में मिलेंगे, तब हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम आएंगे, बट सच में वो बात बिल्कुल सच हो गई है, हम जब नेक्स्ट मिले हैं तो सच में हम कनाडा में मिले हैं। और दीदी फर्स्ट टाइम आई कनाडा में ना, तो इन्होंने बोला था मुझे कनाडा देखना है, तो ये नहीं मालूम था हम सच में यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और ये हमें वहाँ पे मिलने आएंगे, यहाँ पे मतलब मिलने आएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मुँह पे वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, सरस्वती बैठी होती है, तो वो बैठी थी, इसलिए पूरे दिन में अच्छा अच्छा बोलो पता नहीं लगता कि कब सरस्वती बैठ जाए मुँह में, तो और अच्छी अच्छी चीज़ें सच हो जाती हैं कई बार ना। बच्चों की आवाज़ रोने की आवाज़ें आ रही हैं पीछे से ना, वो बच्चे रो रहे हैं। तो अभी मिलते हैं, आप ये देखते हैं हम कहाँ जाएंगे घूमने फिरने, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। धारिका कैसा लगा छोले भटूरे? टेस्टी हैं एकदम बढ़िया। कब से बोल रहे हमें छोले भटूरे खाने हैं, हमें छोले भटूरे खाने हैं। ये चटूरी आराम से छोले भटूरे खाने लगी हुई है। और साची ने क्या मंगवाया आपके लिए? क्या मंगवाया दोनों ने? चिली पनीर मोमोज, वो सबसे लेट है। ये मेरे ख्याल से ये क्या है, स्टफिंग पराठा। ओ ये स्टफिंग पराठा है, टेस्ट करके देखो। भैया भी खा रहे हैं मोमोज। पियो टेस्ट करके देखो कैसा लगा आपको। सही 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 अभी हमने चाय रखी है और साथ में खाएंगे समोसे पिज्जा के बाद। अपना नशा लेंगे चाय का। हमने समोसे नहीं एक्चुअली खाए, बच्चों ने खाए सॉरी पिज्जा। मम्मा कंफ्यूज हो रही है, बच्चों ने पिज्जा खाया हमने नहीं खाया, हमने एक एक स्लाइस लिए अभी, ऐसे ही हम लोग बोलते समोसे खाने हमें अभी। हमारी अभी गरम गरम चाय बन रही है अदरक वाली। चाय पी के ना थोड़ी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि जब तक हम चाय नहीं पियेंगे तब तक हमें नींद नहीं आएगी। साथी ने पूनी कर ली, वेरी गुड। मेरे को नहीं बोला आपने? ओ अच्छी बात, अच्छा लगा। अरे हे गूगल, हे गूगल, क्या हे गूगल, हे गूगल, अगले शनिवार राति फ्रॉम मैं तेरा हीरो। बंद करो हाथ जोड़ के मैं।
play. क्या बात है? क्या बात है? क्या बज रही?